अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, सर्वे वदन्तु अहम अस्मि, अस्मि मैं हूँ। अगर मैं कहूँगा तू है तो क्या कहूँगा? तुम असि, तुम असि, तुम असि, तुम असि, सह अस्ति। पहले आपने ऐसा कहा, बनर्जी साहब आज नए आए हैं, अहम अस्मि, अस्मि ऐसा कहा, अहम अस्मि। इस एक्सप्रेशन को रख लीजिए, अहम अस्मि। अच्छा, मैं भारतीय हूँ, अहम भारतीय, अहम भारतीय अस्मि, अहम अहम अस्मि तो क्लियर हो गया, आई एम, अहम अस्मि, आई माने अहम और हूँ का अर्थ क्या होता है, अस्मि, अहम अस्मि। और इस बीच में जो कुछ भी लगा ना, मैं सुमित, क्या कहेंगे, अहम सुमित, सुमित अहम ब्रह्मास्मि अभी सीखा, हाँ सर, अहम अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, देखिए ये शब्द है अहम ब्रह्मा, ये शब्द याद करें, पिछली बार भी मैंने इस शब्द का प्रयोग, अहम ब्रह्मा अस्मि, इसका अर्थ क्या है, मैं ब्रह्मा हूँ, सर मां लगे नहीं, अहम से क्या, अहम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मा अस्मि, ये उपनिषद का वाक्य है, अहम ब्रह्मा अस्मि। तो इसमें से अहम अस्मि इसका अर्थ मैं हूँ, अहम अजय अस्मि, मैं अजय नहीं हूँ, इसमें क्या कहेंगे, अहम अजय न अस्मि, अहम अजय न अस्मि, जैसे देखिए ना, और आपने कहा अस्मि, अभी सुन ना अस्मि, इसको साथ साथ बोलिए तो क्या होगा, ना अस्मि, इसको ऐसे बोलिए ना अस्मि, अहम अजयः नास्मि, नास्मि, अहम अजयः अस्मि, अहम अजयः नास्मि, नास्मि। सह, सह का अर्थ क्या है, वह, सह, सह, अब मैं कहूँ सह अजयः अस्ति, अस्ति, सह अजयः नास्ति, नास्ति, अस्ति, नास्ति, अस्ति, अस्ति नास्ति, ठीक है बनर्जी साहब, अस्ति नास्ति, अस्मि नास्मि, नास्मि, अत्वम शब्द का प्रयोग करना हो तो असि, असि, त्वम असि, त्वम असि, तुम हो। ये छोटे छोटे जो एक्सप्रेशंस हैं, इनसे अगर हम इनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं तो धीरे धीरे संस्कृत पढ़ना सरल हो जाएगा। आपने कहा अस्ति, इसका उच्चारण करें मेरे साथ, अस्ति, बोले अस्ति, अस्ति, सिंपल हिंदी में इसका अर्थ क्या है, और नहीं है का क्या है, नास्ति, नास्ति है, और फिर बाद में नास्ति है, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अच्छा, असि माने, असि, तुम असि, हो या तू है, इसको क्या कहेंगे, तुम असि, तुम असि, तुम असि, और नासि, 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 अच्छा, अब तीसरा क्या बताया आपने, अस्मि, अस्मि शब्द का अर्थ क्या है, और है नास्मि, इसका अभ्यास कर लेते, अहम भारतीय अस्मि, अहम भारतीय अस्मि, अहम अमेरिका अमेरिकी वास्तव्य नास्मि, अहम कोरियाई नास्मि, अहम भारतीय अस्मि, अहम गोपालः अस्मि, अहम अध्यापकः अस्मि, अहम वणिक नास्मि, ऐसे ऐसे, अस्ति नास्ति, अस्मि नास्ति, ठीक है प्रीति, अच्छी तरह से याद रहेगा ना, अस्ति नास्ति, एवं धारा,
हमेशा पहले पाठ में ये कहा जाता है मैं और मेरा। अजय सर बताइए, मेरा कहना हो तो क्या कहेंगे? सिंपल सी बात, मैं और मेरा, इसको पहले हस्तगत कर लेते हैं। मैं और मेरा क्या है? अहम और ममा, अहम और ममा। वेदांत में कहते हैं अहम बुद्धि भी नहीं होना चाहिए और मम बुद्धि भी नहीं। अहंकार और ममकार कहते हैं इसको, अहंकार और ममकार। दो तरह के अध्यास होते हैं सर, दो तरह के। अहम जैसे मन को मैं अपना स्वरूप मान लूं तो अहंकार हो गया, माइंड अपने आप को आत्मा समझ ले, या आत्मा माइंड को अपना स्वरूप समझ ले, क्या हो जाता है अजय जी? अहम, अहम मना, हाँ मन को अपना समझ लें। और फिर मन को या बॉडी को अपना समझ लें तो दोनों में अंतर है ना, या तो मन को ही अपना स्वरूप समझ लें तो अहंकार है। वेदांत में कहा जाता है कि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध भी नहीं है। एक तो शरीर आत्मा है कि नहीं, प्रश्न ये है, शरीर आत्मा है कि नहीं, या शरीरम आत्मा अस्ति न वा अस्ति इति एकः प्रश्नः अस्तु। शरीर शरीरस्य आत्मनः च मध्ये अध्यासः वर्तते, तो उसको शरीर को अगर मैं अपना स्वरूप समझ लूँ तो जब मैं कहता हूँ आई एम टॉल, तो इसका मतलब आई एम, मैं किसको कह रहा हूँ? बॉडी को है ना, आई एम कह रहा हूँ ना सर, तो आई एम, तो आई एम टॉल और माई बॉडी इज टॉल। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये है अहंकार, क्योंकि आप शरीर को वो समझ रहे हैं। पर अगर आप कहेंगे कि आई एम ब्लाइंड, तब किसको आप अपना स्वरूप समझ रहे हैं? आँख को, आईज आर ब्लाइंड, तो तब भी आँख के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा यह है कि शरीर को आप कहते हैं मम शरीरम, मम शरीरम इति अस्य वाक्य से का अर्थ है अहम शरीरम और मम शरीरम, अनयोः भेदः अस्ति। एक प्रथमः अहंकारः अस्ति, द्वितीयः च ममकारः अस्ति। क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध है भी नहीं, वेदांत आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो आत्मा असंगः अस्ति, आत्मा असंगः अस्ति, अस्तु अस्तु माने आत्मा असंग, आत्मा अनरिलेटेड है, आत्मा असंग अस्ति। जो असंग है उसका कुछ हो सकता है, वो हो सकता है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो महा अहंकारः अपि न भवति और ममकारः अपि न भवति, अस्तु। अहम और मम, अहम अस्ति अस्मि और मम नाम अस्ति। अहम बताइए, अहम सुमितः अस्मि, इस वाक्य का क्या अर्थ है सुमित जी? मैं सुमित हूँ। अब मैं ना कह करके आप मेरा नाम सुमित है ऐसा कह, तो क्या हो जाएगा? मम नाम सुमितः अस्ति, अस्तु। तो अहम और मम इनका प्रयोग, अहम के स्थान पर आपने क्या, अहम माने मैं और मेरा क्या हो जाएगा? मम। अब मैं आपको अहम की जगह त्वम, अच्छा मम में हलंत नहीं लगता, नहीं लगता सर, जैसे ना ममा बोलना चाहिए, ममा ममा मम बोल देते हैं हम हिंदी में, ममा। गणेश जी साहब इसका उच्चारण करें आप, अहम अहम, और ये ममा ममा, और ये त्वम, त्वम का अर्थ क्या है? तुम या तू। अच्छा अब इसकी जगह क्या होगा? तेरा क्या होगा? तब तब तब, याद रहेगा ना सर, जैसे को बिल्कुल तैयार, तवा। तो अहम और तवा, त्वम और नहीं, अहम और ममा, त्वम और तवा। अब एक और प्रयोग है इसमें, आप त्वम का प्रयोग ना करके भवान का प्रयोग करिए। भवान का अर्थ क्या है? आप। भवान शब्द का अर्थ क्या है? आप। और आपका कहना हो तो भवतः, देखिए भवतः याद रहेगा ना, भवतः। ये तब में संस्कृत भगवान संस्कृत में जाना थी, तो तब इति शब्दे लिंग भेदः नास्ति, नास्ति
अस्तु स्त्रीलिंग मध्ये अजयः एकं प्रश्नं करोति। अजयः किं करोति? अजयः एकः प्रश्नं करोति। एकं प्रश्नं अजयः किं करोति? अजयः एकं प्रश्नं करोति। तव शब्दे लिङ्गभेदः अस्ति न वा? नास्ति। अस्तु सर्वलिङ्गी शब्दः अयं वर्तते। त्वं बालकः असि। देखिए त्वं बालकः असि, त्वं बालिका असि, असि न कोऽपि भेदः अस्ति अत्र। अत्र माने अस्तु तत्र लिङ्गभेदाः सन्ति, अत्र लिङ्गभेदः वर्तते। भवान् भवान् अजयः अस्ति। भवान् अजयः भवान् कः अस्ति? भवान् अजयः अस्ति। मम नाम अहं भवान् की जगह फिर मैंने कहा अहं अजय अस्मि। अस्मि अस्तु। भवती प्रीतिः अस्ति। भवती का अस्ति? प्रीतिः अस्मि। अहं प्रीतिः अस्मि। तो भवान् भवती अस्तु। भवान् भवान् अजयः अस्ति। अच्छा एक बार मन्यत है भवता भवतः नाम किम अस्ति? मैंने क्या कहा भवान की जगह? भवतः। भवान अजयः अस्ति। भवता नाम किम अस्ति? मम नाम अजयः अस्ति। भवती प्रीतिः अस्ति। भवती प्रीतिः अस्ति। भवत्याः नाम किम अस्ति? मम नाम प्रीतिः अस्ति। अस्तु तो बोलिए अहम् मम। अहम् मम। त्वं तव। तव याद रहेगा। और भवान् भवतः। भवतः। और भवती भवत्याः। भवत्याः। एतेषां शब्दानां पुनः पुनः अभ्यासः कर्तव्यः। अस्तु किं कर्तव्यः? अभ्यासः। अभ्यासः कर्तव्यः। अस्तु एते शब्दाः सन्ति। एवं तावत् पुनः पृच्छामि मैं हूँ। एक साथ बोले मैं हूँ। अहम् अस्मि। अहम् अस्मि। और तू है? त्वम् असि। त्वम् असि याद करें। तू है? त्वम् असि। असि। आप हैं? भवान् अस्ति। अच्छा अब मैंने कहा अजय जी आपको पूछता हूँ मैं हूँ वो कई राउंड चलते ना आप मैं अहम अस्मि मैं जाता हूँ अहम गच्छामि हाँ मेरा नाम अजय है मम नाम अजय अस्ति आप बताइए पूजा जी तू है त्वम् असि तू जाता है त्वम् गच्छसि गच्छसि तेरा नाम अजय है तव नाम अजय अस्ति अस्तु वारं वारं अभ्यास करणीयः अस्तु अहम गच्छामि प्रश्न पूछता हूँ अहम गच्छामि ठीक है अब मैं कहूँ तुम कहाँ जाते हो अहम विद्यालय गच्छामि अहम विद्यालय गच्छामि इसका तुम कहाँ जाते हो इसकी संस्कृत क्या होगी त्वं कुत्र गच्छसि त्वं कुत्र गच्छसि गच्छसि तुम कब जाते हो तुम कदा गच्छसि याद रहेगा कदा कदा अच्छा तुम अभी जाते हो तुम इदानीं गच्छसि इदानीं याद रहेगा अधुना इदानीं देखिए दो शब्द हैं अधुना और अधुना अधुना याद रहेगा अधुना अधुन अधुना 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 इति शब्दस्य कः अर्थः अभी अभी अच्छा अधुना अब अधि है ना अब अभी ही अधुनैव अधुना और अधुनैव अधुनैव इसमें दो शब्द हैं क्या है अत्र शब्द द्वयं वर्तते प्रथमः शब्दः अधुना द्वितीयश्च शब्दः एव अनयोः शब्दयोः सन्धिः भवति अस्तु अनन्तरं कः शब्दः भवति अधुनैव अधुनैव बिल्कुल अभी है ना अधुनैव गच्छामि अहम् अधुना गच्छामि
वदन्तु अहम् अधुना गच्छामि अहम् अधुनैव गच्छामि अधुना शब्दस्य स्थाने इसका अर्थ क्या होगा अधुना शब्दस्य स्थाने इदानीम् 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 देखिए इ इ दा नीम नीम इदानीम् याद रहेगा इदानीम् क्या है प्रीति इदानीम् अस्य शब्दस्य उच्चारणं करणीयम् इदानीम् और इदानीम् एव इदानीम् एव अहम् इदानीम् एव अहम् इदानीम् एव गच्छामि पूजा जी बोलिए इदानीम् 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 एव इदानीम् एव अधुना अधुना अधुनैव अधुनैव अद्य अद्य आधि अद्यै बोलिए आधि हां सर बताएं आधि आज का अर्थ अद्य और आज ही अद्यैव दो शब्द है ना सर अद्य एव संधि कर दीजिए अद्यैव अद्यैव अद्य सदा एव सदैव सदैव अस्तु संधि वयम् संधिम् अपि पठिष्यामः वयम् संधि नियमान् अपि पठिष्यामः अधुना तु एतेषां शब्दानाम् अभ्यासः करणीयः किं करणीयः अभ्यासः करणीयः अस्तु क्या तुम जाते हो एक तो है त्वं गच्छसि क्या तुम आप बताएं क्या तुम जाते हो क्या का क्या है क्या का है किम किम देखिए ऐसे लिखते हैं किम किम तुम गच्छसि अभी किम की तो किम को तो पूरी दुनिया जानते हैं किम 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 याद है किम तो किम शब्द है तो इसके दो तरह के प्रयोग होते हैं है? एक तो है कि तव नाम किम अस्ति इसका अर्थ क्या हो गया हमारा नाम क्या है और किम शब्द का प्रयोग हम हिंदी में या संस्कृत में उस तरह से नहीं होता अंग्रेजी में क्लियरली अंतर होता है क्या तुम जाते हो ये क्वेश्चन हो जाता है ना तो वहाँ क्या शब्द का वो अर्थ तो है नहीं सर किम तुम गच्छसि तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है डू यू गो इसी जगह क्या हो जाता है किम तुम गच्छसि किम तुम गच्छसि अब एक एक शब्द एक एक वाक्य का प्रयोग वर्तमान काल में करते जाएंगे अजय विशेष करके धाव धातु है धाव मैं दौड़ता हूँ अहम धावामी धावामी तू दौड़ता है इसका तुम धावे से हाँ अब तैरो जी तुम देखते हो तू देखता है अश्यसि धातु क्या है पश्यसि रूप हो जाता है आप बताएं कि तुम बोलते हो ट्राई करो वदसि मैं बोलता हूँ वदामि हाँ ठीक है बालक बोलता है वदति आप बताएं मैं हूँ हम अस्मि मैं जाता हूँ नहीं अहम गच्छामि अहम के साथ अंग्रेजी का वो या मी है ना मी अहम गच्छामि अहम तिष्ठामि अहम उत्तिष्ठामि अहम वदामि अहम गच्छामि मी का हमेशा मतलब है मेरे से सर आप बताएं आप हंसते हैं आप भगवान हंसते हैं आप हंसती हैं अस्ति उसमें भगवान के साथ साथ पहला ही लगता है अस्ति वाला भगवान पठति त्वं पठसि त्वं के साथ पठसि होता है इसके ये सब करने के बाद मैं एक व्यवस्थित तरीके से भी करता हूँ तब तक प्रथम पुरुष लगेगा भगवान भगवान पठति मतलब तुम पठो आप पठति या पठति इस तरह से अभी हम बिल्कुल उससे भी पढ़ेंगे सुमित जी आप बताइए एक प्रयोग तुम करते हो आप करते हैं भगवान करोति भगवान करोति आप बताए मैं हूँ मैं का याद है अस्मि मैं जाता हूँ
अहम गच्छामि गच्छामि मैं बैठता हूँ अहम बैठता हूँ थोड़ा ज्यादा हो गया अहम मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि अहम के साथ हमेशा मी लगेगा अस्मि देखिए अहम अस्मि अहम पठामि अहम तिष्ठामि अहम उत्तिष्ठामि अहम गच्छामि इस तरह के प्रयोग अहम शृणोमि अजय जी आप बताएं किसी लेडी को कहना तुम लिखती हो आप लिखती हैं भवती किम भवती लिखती लिखती अच्छा जी बताओ आपका नाम क्या है फीमेल से क्या अस्तु तावत् वयम् एतान् शब्दान् सम्यक् सम्यक् वने अच्छी तरह से जानीमः अहम् जानामि सुनिए बताइए तो जी क्या अर्थ हो सकता अहम् जानामि मैं जानता हूँ अहम् जानामि अहम् जानामि अहम् जानामि व्यवस्थित रूपेण वयं पठामः अस्तु आपका नाम भवता नाम भवतः नाम भवान भवान माने आप भवान कहाँ अस्ति सर आप आपको कभी ये थोड़ी पूछते हैं आप क्या हैं आप कौन हैं पूछते हैं ना ये कहा जाता है एक एक स्वामी जी बार बार कहते हैं कि इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है जब किसी ने बुद्ध की मूर्ति को देख करके बुद्ध की महाव्यक्तित्व को सामने देख करके कोई बिल्कुल किसी की आंखें बिल्कुल जुधिया सी गई और पूछना उसको ये था तुम कौन हो उसके मुंह से प्रश्न निकला तुम क्या हो बुद्ध के सामने कोई भी खड़ा होगा ना कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन तुम क्या हो तो यहाँ से प्रश्न होता है कि कॉन्शियसनेस क्या है वो उससे जोड़ के होता तुम क्या हो ऐसा तो तुम कहा असी किसी को तुम कहा असी एक धातु अस्ति अस धातु अस अस इति एक धातु अस्ति अस्तु अस इति एक धातु अस्ति आंग्ल भाषायां अस्य रूपांतरणं कथं भवति अस इति धातोः स्थाने अस इति संस्कृतस्य धातुः अस्ति आंग्ल भाषायाः धातुः अस्ति वा संस्कृतस्य धातुः अस्ति अस अस इति धातुः अस्ति अस भूवि इस धातु का पूरा अर्थ पानी पानी ने है धातु पाठे अयम पाठः वर्तते अस इत्यस्य कः अर्थः होना अस भूवि अस अस इति एकः धातुः अस्ति अस इति एकः धातुः अस्ति अंग्रेजी में क्या है इसका इस नहीं सर बी मूल धातु बी 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 है ना मूल धातु तो बी है अच्छा बी है बी का क्या होता है इज आर एम आर ऐसे होता है ना पास्ट टेंस अलग अलग होता है संस्कृत में भी इस तरह से लिखा अस धातु है अच्छा अस धातु का प्रेजेंट टेंस क्या रूप होता है तीन तीन पुरुष होते हैं कति पुरुषाः भवन्ति त्री त्रयः पुरुषाः पुरुषाः भवन्ति प्रथमः पुरुषः मध्यमः पुरुषः उत्तमः पुरुषः भवन्तः वदन्तु प्रथमः पुरुषः मध्यमः पुरुषः उत्तमः पुरुषः अस्तु कति वचनानि भवन्ति त्रय वचनानि त्रीणि त्रीणि अब देखिए मैंने आपको त्रयः पुरुषाः साथ साथ में जो भी चीजें आती जाएं त्रयः पुरुषाः बहुवचन त्रयः पुरुषाः देखिए मूल शब्द है त्रि त्रि शब्द है त्रि माने थ्री देखिए भाषाओं में कितना नजदीक है त्रि और त्री इति मूलः शब्दः वर्तते वर्तते इत्यस्य का अर्थ है अच्छा अब मैं पुरुषः पुरुषः बहुत सारे पुरुषों को क्या कहते हैं पुरुषाः पुरुषाः अब इसका बहुवचन बनाना त्रयः पुरुष शब्दः किम लिंगकः शब्दः वर्तते पुल्लिंग पुल्लिंग शब्दः वर्तते रामः रामौ रामः रामः रामौ रामः
तो पुरुषाः त्रयः पुरुषाः हम कल्पना करिए त्रयः बालकाः त्रयः बालका एक बालक हो तो क्या कहते हैं पंडित साहब बालकः और बहुत सारे बालक हो तो बालकाः बालकाः अस्तु तो त्रयः बालकाः अच्छा आज पुरुषा अगर मैं याद हूँ बालिकाः तो क्या हो जाएगा तिस्रः बालिकाः हाँ तिस्रः देखिए यहाँ तिस्रः यही कुछ चीजें हैं जो संस्कृत को थोड़ा बहुत कठिन बनाती है तिस्रः बालिकाः त्रयः बालकाः तिस्रः बालिकाः बालिकाः अच्छा अब मैं याद हूँ पुस्तकानि त्रीणि पुस्तकानि याद त्रीणि पुस्तकानि पुस्तकानि त्रीणि त्रीणि पुस्तकानि ठीक है रेजा त्रीणि पुस्तकानि नपुंसक अच्छा अब ये एक शब्द है चतुर 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 शब्द का अर्थ क्या है चार अब चाहे यहाँ चार पुरुष चत्वारः पुरुषाः चत्वारः चत्वारः पुरुषाः पुरुषाः बोलिए चतुर्थः अच्छा यहाँ क्या होगा चतस्रः बालिकाः चतस्रः ऐसा होता है चतस्रः बालिकाः अब यहाँ क्या होगा चत्वारि पुस्तकानि चत्वारि थोड़ा सा कठिन है पर बार बार करने से हो जाएगा चत्वारि चत्वारि अस्तु कति पुरुषाः भवन्ति त्रयः पुरुषाः भवन्ति अच्छा कति वचनानि भवन्ति त्रीणि वचनानि अंतर देखिए ना त्रीणि वचनानि वचनानि अपि वचनानि वचनम वचने वचनानि और लिंगानि कति लिंगानि भवन्ति त्रीणि लिंगानि भवन्ति लिंगानि भवन्ति पुल्लिंग पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम अब इसके हम रूप चलाते हैं संस्कृत में जिसको धातु रूप कहते हैं जिसको सीखने की होती बात होती है पहला देखिए बचपन में आपने पढ़ा होगा प्रथम वयम संस्कृतेन पठामः तस्मात् संस्कृतेन एव लिखामि प्रथमः पुरुषः प्रथमः पुरुषः अस्तु अत्र एकवचनम् एकवचनम् और द्विवचनम् 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 एवं लेखनीयं द्विवचनम् पुनः बहुवचनम् बहुवचनम् अब प्रथमा पुरुषा प्रथम पुरुष इसमें थोड़ा प्रथम पुरुष अब अस धातु का प्रथम पुरुष में क्या रूप होगा पूजा जी अस्ति अस्ति अब हम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अस्ति अस्ति स्तः सन्ति इसको संस्कृत में तो ये प्रथम पुरुष है परंतु अंग्रेजी में इसका अनुवाद कैसे करते हैं थर्ड पर्सन किसी थर्ड के लिए एक तो तीन लोग होते हैं कोई भी जब कन्वर्सेशन होता है कस्याम अपि वार्ता कस्मिन् अपि वार्तालापे त्रयः प्रतिभागिनः भवन्ति अहम् भवामि भवान् भवति अन्यः कश्चन भवति दो होते हैं एक स्पीकर होता है और एक हियरर होता है और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में एक मैं तो हुआ फर्स्ट पर्सन आप हुए सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन ये थर्ड पर्सन अस्ति हिमालय है हिमालय अस्ति भारतीय विद्या भवन है ये थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो अस्ति अगर वह एक वचन है तो अस्ति और द्विवचन है तो ये स्तः स्तः संति अस्ति स्तः संति संति इसका अभ्यास अस्य अभ्यास करणीय संति अब बताएं आप में से जो बिल्कुल नए हैं सुमित जी भवंतः भवान वदतु
बालक है, बालकः अस्ति, दो बालक को क्या कहते हैं, बालकौ, बालकौ स्तः, बालकाः सन्ति, सन्ति, सरलम अस्ति, बालकः अस्ति, बालकौ स्तः, बालकाः सन्ति। परंतु एक बात और है, एक तो थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन भी, जिसको अगर आप शब्द का प्रयोग कर रहे हो आप, तो फिर इसी का प्रयोग होगा। ये बहुत विचित्र सी बात है, आप हैं तो क्या होगा, भवान अस्ति, और भवन्तौ माने आप दोनों, भवन्तौ स्तः, भवन्तः, भवन्तः सन्ति, सन्ति। ये इसको लिख लीजिए, देखिए अभी भवान माने एक आप, भवान, भवान देखिए देखिए, और दो हो तो भवन, भवन्तौ, भवान, भवन्तौ, और बहुवचन में क्या होता है, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा, बार बार मैं प्रयोग करूंगा, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो भवान अस्ति, अस्ति, भवन्तौ स्तः, स्तः, भवन्तः सन्ति, सन्ति। अच्छा, अगर इसकी जगह स्त्रीलिंग लिखना हो तो भवति, भवति, देखिए भवति यच वाला, और क्या होगा प्रीति, भवत्यौ, भवत्यौ, और ये भवत्याः, भवत्याः, नदी नद्यो, नद्यः, नदी नद्यो, नद्यः, भवत्याः शब्द है। अब मैं आपको अभ्यास कराऊं, भवान छात्रः, देखिए भवान छात्रः अस्ति, भवन्तौ छात्रौ, छात्रौ स्तः, भवन्तः छात्राः सन्ति, भवान अस्ति, भवन्तः सन्ति। इसका प्रयोग कम करते हैं, भवान अस्ति, भवन्तः सन्ति, अस्ति, सन्ति, ठीक है ना, भवति और भवत्यौ, भवत्यः। प्रथम पुरुष का यह अस्ति, स्तः, सन्ति। अच्छा अजय जी आप बताएं, अस्तु मध्यम पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, अस्ति, स्तः, स्तः, हाँ, एते, एते अजय महोदयाः, बहुवचन में प्रयोग करते हैं, अजय महोदयाः कथयन्ति, बहुवचने किमर्थं, बहुवचने सम्मानार्थम् आदरार्थम् बहुवचनस्य प्रयोगः संस्कृते अपि क्रियते, अनेकासु अनेकासु भाषासु एतादृशी व्यवस्था अस्ति, सम्मान प्रदर्शनाय। अजय महोदय भी कहते हैं, महोदय भी कहते हैं, हाँ, अजय, अजय महोदयः कथयन्ति, ऐसा करना पड़ेगा, अगर अजय, अजय महोदयः कथयति, अजय महोदयाः कथयन्ति। अस्तु प्रथमः पुरुषः, प्रथमस्य पुरुषस्य एतानि रूपाणि सन्ति, अस्तु प्रथमपुरुषस्य रूपाणि सन्ति, अस्ति इति एकवचनस्य रूपम्, अस्ति इति एकवचनस्य रूपम् अस्ति, स्तः द्विवचनम्, मेरा पूरा वाक्य देखिए, अस्ति इति एकवचनस्य रूपम् अस्ति, स्तः इति द्विवचनस्य रूपः अस्ति, द्विवचनस्य, द्विवचनस्य रूपम् अस्ति, वचनस्य रूपम् अस्ति, अस्ति, अस्ति। अधुना, अधुना वन अब मध्यम पुरुषस्य रूपाणि पश्यामः, अधुना मध्यम पुरुषस्य रूपाणि, रूपम रूपे रूपाणि, रूपाणि पश्यामः, मध्यम पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, अस्तु इदं किम् अस्ति, विसर्ग, हाँ विसर्ग, मध्यमः पुरुषः, मध्यम पुरुषस्य रूपाणि कानि सन्ति, भवान कथयतु, असि, असि, स्थः, 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 अस्तु बहु शोभनम्, असि, असि, देखिए ऐसे लिखते हैं बैनर्जी साहब, मैडम बार बार कह रही थी कि आपको थोड़ा सा लिख के चलना, असि और स्थः, स्थः, ऐसे ऐसे स्थः, स्थः,
और स्थ स्थ सिंपल दोनों में अंतर यह है स्थ असि इति एकवचनस्य वदन्तु असि इति एकवचनस्य रूपम रूपम असि इति मध्यम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम अस्ति एकवचनस्य रूपम अस्ति द्विवचनस्य रूपम अस्ति मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम रूपम अस्ति द्विवचनस्य रूपम अस्ति हां इति मध्यम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति रूपम अस्ति तो त्वम इसकी ये क्या है इसके साथ क्या लगता है त्वम 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 यूयम त्वम माने एक तो एक अगर तो त्वम अगर दो हो तो त्वम युवाम युवाम ऐसा रूप युवाम 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 यूयम युवाम याद रहेगा मेरे से युवाम और इसका ये सरल है यूयम 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 इसका अर्थ होता आप तुम सब त्वम असि त्वम असि असि युवाम स्थ यूयम स्थ एक बात और जो अजय जी वो पुस्तिका क्या थी कपिल देव द्विवेदी की जो प्रथम मैडम के पास है वो ये थोड़ी एडवांस वाली है नहीं एक पतली वाली भी है इसकी देखिए इसको क्योंकि हम 7 दिन या 15 दिन के बाद मिलते हैं ना हमारे पास कोई उपाय नहीं है इसमें से 7-8 आप करके ले आए और मैं यहाँ देख लूंगा सबका 7-8 अभ्यास 7-8 अभ्यास नहीं तो ना यहाँ करते हैं फिर वही हो जाता है 7-8 अभ्यास क्योंकि मैं 7-8 अभ्यास हाँ नहीं 7-8 सेंटेंस नहीं नहीं अभ्यास 7-8 अभ्यास नहीं एक्सरसाइज क्योंकि 7-8 अभ्यास जो त्वम है कंफ्यूजन प्रथम विभक्ति हो बोला समय और यहाँ पे आप लेकर चल रहे हो मध्यम पुरुष का स्थ ये दोनों सही है या फिर इसकी भी द्वितीय विभक्ति आएगी नहीं देखिए ये मूल शब्द है युष्मत शब्द है उसका त्वम युवाम युवाम प्रथमा विभक्ति है वो एक अलग बात है परंतु त्वम शब्द के साथ अगर धातु रूप का प्रयोग करना तो ये मध्यम पुरुष वाला होगा मध्यम पुरुष को रिप्रेजेंट एडिशन डिफरेंट होगा अहम जैसे है ना अहम ऐसे ठीक है इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग करके लाएं तो बड़ी सुविधा हो जाएगी मैं यहाँ आधा घंटा बैठ करके मैं चेक कर लूँ तो पहले 7-8 अभ्यास की एक्सरसाइजेस करके लाएं तो लेकिन एडिशन मुझे लग रहा है अलग अलग है नहीं नहीं वही है कंटेंट तो अभ्यास एक जैसे ही होगा एक जैसे वो मोटी वाली है डिफरेंट है थोड़ी सी अभ्यास अभी जैसे ना 15 दिन भी तो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स है एक अभ्यास करने में 1 घंटे लग जाते हैं ना तो 1 घंटा आप उसमें समय लगा रहे हैं 1 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं वो ये करके लिए नहीं ये करते करके लिए आइए एक एक पेज मुझे दे दीजिए उससे बहुत अभ्यास हो जाता है सर फिर 2-3 अभ्यास दे दीजिए अब इस बार के लिए ऐसा कर लीजिएगा 3-4 क्लास के बाद आप तो कर सकती हैं पूजा जी इन्होंने तो कर लिया गलतियां होंगी कोई बात नहीं 4 समय की बात है और कुछ नहीं 8 करते हैं 15 दिन भी तो दिन में थोड़ा ज्यादा नहीं करते अव्यय क्या होते हैं लिखा है अव्यय होते हैं कांस्टेंट अभी जैसे मैंने किम कथम ये सब बता रहा हूं ना मैं जिनके रूप नहीं चलते एक पहला देखिए 2 तरह के होते हैं शब्द रूप एक तो शब्द रूप होते हैं शब्द रूप का अर्थ होता है जैसे राम शब्द है बालक शब्द है इसके 8 विभक्तियां होती हैं इसको क्या कहते हैं शब्द रूप बालकः बालकौ बालकः सिंपल हिंदी में देखिए ना हाँ तो ये देखिए मैं अगर कहूँ बालक को बालक ने बालक के लिए बालक से ये अलग अलग रूप होते हैं ना कर्ता ने तो वो 7 होते हैं या 8 समझ लीजिए आप संबोधन है ना 8 समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं इसमें शब्द रूप क्या कहते हैं इसको शब्द रूप अच्छा अब धातुओं के रूप चलाने को क्या कहते हैं धातु रूप 2 तरह के रूप हो गए शब्द रूप और धातु रूप पठ धातु का शब्द रूप हो गया धातु रूप होगा धातु रूप पठती पठतः एक्शन शब्द तो वो शब्द जो है वो वर्ब्स नहीं है वो नॉमिनल वर्ड्स है नॉमिनल रूट्स देखिए अभी आपका प्रश्न है ना धातु रूप और शब्द रूप एक बार पहले भी कह चुका हूँ मैं
अव्यय किसे कहते हैं, आपने कहा ना देखिए, जैसे अब मैं कहूँ अस धातु, इसके रूप चलाइए, तो आपने क्या कहा, अस्ति स्थ संति, असि स्थ स्थार। अब उत्तम पुरुष में क्या होगा, अस्मि अस्मि स्थ अस्मि स्व और स्म। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, अस्मि स्म अस्मि स्व स्व स्म और स्म। तो इसके साथ क्या, अहम अस्मि अहम और हम दोनों का क्या होगा, आवाम आवाम। वयम ये सरल है पर इसको मास्टर करने में थोड़ा टाइम लगता है। वयम अब देखिए इसके रूप चले कि नहीं, तो चलने को संस्कृत में एक धातु है आया, आया का मतलब चलना, आया का मतलब होता चलना, आयति माने चलता है, आयति माने चलता है, और विशेष रूप से चलता है तो वी वी, आया माने जाना चला जाना खर्च हो जाना चला जाना, और व्यय माने विशेष रूप से खर्च, जैसे पॉकेट में पैसे है ना तो आयति माने चला जाता है, आय हो गया, और आप कहिए कि आजकल बहुत महंगाई हो गई तो व्यय हो गया, विशेष रूप से चला जाता है, वी आया, वी आया माने विशेष रूप से चले जाना, व्यय हो गया पैसा इतना था सब व्यय हो गया माने पता भी नहीं चला और खर्चा हो गया, खर्चे हो गया है ना, चला गया विषय व्यापार है। तो व्यय समझ गया, मैं इस शब्द पर आना चाह रहा हूँ, व्यय माने जो विशेष रूप से गमन करता है, जो विशेष रूप से चला जाता है उसको व्यय कहते हैं, मेरा मतलब पैसे को व्यय कहते हैं, व्यय माने चला गया, इसको कहते हैं व्यय, वी प्लस आया बराबर व्यय, ठीक है ना, व्यय। अब बताएं आया का अर्थ क्या है, फिर से आया का अर्थ जाना चलना, और व्यय का अर्थ विशेष रूप से चलना, और अव्यय माने बिल्कुल ना चलना। अव्यय का मतलब जिसके रूप नहीं चलते हैं, जिसके रूप नहीं चलते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, वो सब चीजों में कैसे यूज होते हैं, सब जगह उसको अव्यय कहते हैं, जैसे कदा शब्द है, कदा कदा यदा, कदा का मतलब कब, कथम का अर्थ क्या है, इसलिए कैसे कथम यदि। अब ये कथम शब्द का रूप राम की तरह नहीं चलता है, ना भू की तरह चलता है, इसके रूप चलते नहीं है, इसके रूप नहीं चलते हैं। अच्छा जैसे एक च शब्द है, च अगर मैं आपसे पूछूं कि च के रूप चलाइए तो आप क्या कहेंगे, नहीं चल सकता, अव्यय पद, तो मेरे साथ बोलिए सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति तत् अव्ययम्। इसका अर्थ होता है कि तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, तीनों विभक्तियों में और सभी अवस्थाओं में जिसके रूप नहीं चलते हैं, यत न व्येति जो नहीं चलता है उसको क्या कह देते हैं, अव्यय। बाद में बताता हूँ कि क्रिया विशेषण का टॉपिक आएगा। तो अस धातु का प्रयोग, अस्ति स्थ संति, असि स्थ अस्मि स्वः, इस तरह का अस्तु। हाँ सदृशम त्रिषु लिंगेशु, अब इससे भी संस्कृत सीखते हैं। देखिए सदृशम का अर्थ क्या है, एक जैसा हाँ त्रिषु लिंगेशु, हाँ आप बताए त्रिषु लिंगेशु कहाँ का रूप है, तीनों लिंगों में, हाँ सप्तमी का बहुवचन। सदृशम एक जैसा सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु
और आगे है सर्वास्म च विभक्तिषु। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, यहाँ तक देखिए क्या अर्थ हो गया, तीनों लिंगों में समान, तीनों लिंगों में जो सदृश है एक समान है। सदृश शब्द से का अर्थ समान, अस्तु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च, च इति शब्द से का अर्थ और सभी विभक्तियों में है ना, और प्रीति वचन शब्द का सप्तमी का बहुवचन क्या होगा, वचनेषु च सर्वेषु, वचनेषु च सर्वेषु सर्वेषु। अब यहाँ देखना सर, आप देखें जैसे सर्वासु है और यहाँ सर्वेषु है, क्यों हाँ अपने आप अंदाज करके बताएं सर क्या हो सकता कारण। ये विभक्ति शब्द का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग में ये सर्वा शब्द होता है ना, पुल्लिंग ये सर, ये जो वचन शब्द जो है नपुंसक लिंग है इसलिए सर्व शब्द होता है, तो विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति होता है, एक ही लिंग होता है। मूर्धनिषा है इसका भी कारण व्याकरण में बताऊंगा बाद में, इसमें व्याकरण ग्रामेटिकलिटी है बाद में, परंतु ये सा का ये जो सा है ना ये चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ ए और भी कई सारे वर्ड्स उससे पहले जो शब्द था, मोस्ट ऑफ द टाइम सा का परिवर्तन हो जाता है शा में। जैसे सर क्या होता है, जैसे विष्णु है ना, विश प्लस ये था नू शब्द है मूल रूप से, परंतु क्या हो जाता है बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर साउंड, तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना, क्योंकि ये मूर्धन्य है इसलिए यह भी मूर्धन्य हो जाता है, इसके रूल्स हैं व्याकरण में। एनीवे अभी समझने की बात क्या थी, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु और वचनेषु च सर्वेषु। तदव्ययम् ऐसा शब्द है, तदव्ययम्। अब इसको समझने के लिए देखिए, जैसे ये सर इसमें दो चीजें हैं, यत यत और ना, यत माने जो नहीं, तो ये संधि हो गई यन ना, ठीक है। अच्छा में क्या है, वी इति एति 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 ऐसा शब्द है, तो इसको व्येति हो जाता है, तत अव्ययम् अव्ययम् उसको अव्यय कहते हैं, कुल मिलाकर के जो ना चले उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ होता है अचल, अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है, अचल। पर्वत को क्या कहते हैं, अचल, पर्वत को अचल कहते हैं, क्योंकि पर्वत चलते नहीं है, हाँ पर्वत को नगह कह देते हैं, क्या कह देते हैं, नगह और अचल कहते हैं, नगह यदि शब्द से अर्थ ना गच्छति नगह। नाक शब्द, नाक का तो होता है याद है, जैसे सर एक शब्द होता है नाकः, उपनिषदों में भी नाकः, इसमें क्या होता है क कहते हैं सुख को, क कहते हैं जो परम सुख है ना उसको क कहते हैं, इसलिए क प्रजापति को भी क कहते हैं, क नाम परमम सुखम, क किसे कहते हैं अजय जी, परम सुख को क्या कहते हैं क। अच्छा अक का अर्थ क्या हो गया, परम सुख ना हो, जो सुख ना हो ना, का विपरीत। अच्छा ये तो नेगेशन है, आ अब इसके बाद भी नेगेशन लगा दीजिए, ना कहा जो दुख नहीं है, तो
नियम है व्याकरण में, गौ नयौ प्रकृत्यर्थम भूतः। तो अगर डबल नेगेशन लग जाए ना तो प्रकृति के अर्थ को और ज्यादा फोर्सफुली बताता है, बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा सुख। नो नॉनसेंस कहते हैं ना सर, इज ए नो नॉनसेंस मैन, हाँ उसको डिस्टर्ब मत करो, नो नॉनसेंस है वो। तो उसको नो नॉनसेंस की तरह क अका और इसको और ज्यादा विकिपीडिया में है। अच्छा कहीं ना कहीं परंपरा से कहीं ना कहीं तो होगा, पर जो संस्कृत के लोगों को कुछ चीजें ऐसी इतनी सामान्य हो जाती है ना, याद नहीं रहता सोच कर। अव्यय की वो है, देखो ये तो काफी, अगर छोटा डेफिनेशन कहे तो इतना याद कर लीजिए, व्येति तद अव्ययम्। व्येति का सर इसमें ना एक्चुअली क्या है, एक तो धातु है आय, आय का अर्थ क्या है, चलना। अच्छा एक धातु है ई, ई का अर्थ भी है चलना। तो इसका ना पहला रूप बनता है एति, एति इतः यन्ति, ये थोड़ा सा आगे जा करके। तो एति का अर्थ होता है चलता है, जाता है। तो और वी एति विशेष रूप से चलता है, ना व्येति, ना व्येति अव्यय। कुल मिलाकर के अव्यय शब्द की ई धातु का अर्थ इण गतौ, ई का अर्थ होता है चलना। जितने भी गत्यर्थक धातुएं होती है ना उसके तीन अर्थ होते हैं, आपको मालूम होगा। जो है गतेस त्रयो अर्थाः भवन्ति, देखिए गयो गते त्रयो अर्थाः भवन्ति, ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च, ज्ञान गमन और प्राप्ति, तीन अर्थ होते हैं। गति जो भी गम गति अर्थक वाले धातु होते हैं ना उसके तीन अर्थ होते हैं, एक तो ज्ञान और एक गमन और एक प्राप्ति, प्राप्ति तीन अर्थ, ज्ञान गमन और प्राप्ति, प्राप्ति। तो अधुना वयम, अधुना अधुना अब अधुना वयम, अहम अहम और हम दोनों का क्या हुआ, अवाम वयम। अधुना वयम एकम अन्यत पद्यम पठामः, वयम किम कुर्मः, पठामः अस्तु। इदम् एकं पद्यमस्ति, इदम् एकं पद्यमस्ति, हाँ। तो इदम् पद्यं पठितम्, अधुना संप्रति, संप्रति शब्द का भी अर्थ होता अभी, अधुना संप्रति इदानीं, इदानीं वयम् एकं अन्यत् पद्यं पठामः। अनन्तरम् एकं पाठं पठामः, स्वर्ग होता है ना, का मतलब होता है सुख, अगा का मतलब होता है जो सुख नहीं है, तो और ना अका माने स्वर्ग, स्वर्ग। हम तो दर्शन के विद्यार्थी हो, देखो घट शब्द है ना, घट, घट का अर्थ क्या होता है, पॉट, क्या घट का अर्थ होता है पॉट। अब अगर मैं कहूँ अभाव, अभाव माने कमी किसी चीज, एब्सेंस, एब्सेंस है ना। जैसे द पॉट इज देयर, फिर आप कहोगे द एब्सेंस ऑफ पॉट इज देयर, तो एक तो पॉट है, घट पटा अभाव है, तो घट के अभाव को क्या कह रहे थे संस्कृत में, घटाभाव। ये नैयायिक लोग इस शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, घट इत्यस्य शब्द से अर्थ कहा, घट इत्यस्य शब्द से का अर्थ, और घटाभाव इत्यस्य शब्द से का अर्थ एब्सेंस ऑफ। अच्छा अब इसमें मैं एक शब्द, एक अभाव और लगा दूं, घटाभावाभावः, घटाभावाभावः एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ पॉट, सो दैट इज प्रेजेंस ऑफ पॉट, प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ पॉट्स, नहीं एक ही है, पर एक ही मतलब बिल्कुल फॉर्म एम्फैटिक एंड घटाभाव एम्प्लीफाइड। अब इसको लेकर के झगड़ा होता रहता है उसमें,
कि घटा भावा, भावा का अर्थ घटा है कि नहीं? कुछ लोग कहते नहीं है, कुछ लोग मेजोरिटी कहती है नहीं, घटा भावा भावा का अर्थ घट ही होता है। अहम घटा भावा भावम पश्यामी, इसका अर्थ होता है अहम घटम पश्यामी। तो एनीवे तो दो नयो प्रकृत्यर्थम वृद्धा एक बार और भाव लगा देंगे तो फिर देखिए द्वौ, द्वौ माने दो, घटा भाव हो जाएगा, नयौ माने नेगेटिव पार्टिकल, द्वौ नयौ प्रकृत्यर्थम। पाणिनि की अष्टाध्याय में बहुत ज्यादा चलता है प्रकृत्यर्थम ब्रूतः, ब्रूतः माने बोलते हैं, द्वौ नयौ प्रकृत्यर्थम। इसमें फिर वो कहां आया है कि विशेष रूप से बोलते हैं, नयौ बोलेंगे उसको प्रोनाउंस, नयौ 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 विशेष रूप से कहां बोल रहे हैं? एक्चुअली एति होता है ना, एति द्वौ न, देख एति बोला ना आपने, अब इसमें आपने वी उपसर्ग का प्रयोग कर दिया, वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष रूप से, तो व्येति का मतलब विशेष रूप से चलता है, और न व्येति माने विशेष रूप से नहीं, नहीं चलता, चलता है, मतलब नहीं चलता है, जिसके रूप नहीं चलते हैं उसको, तो वो सब चीजों में एक जैसे रहे। हाँ, सब चीजों में जैसे मैंने कहा आपने क्या कहा, सदृशम त्रिशु लिंगेशु, तीनों लिंगों में सर्वाशु च विभक्तिशु और वचनेशु च सर्वेशु यत न व्येति तदव्ययम्। एक याद करने के बाद सिंपल है, यत न व्येति तदव्ययम्। ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जिसमें एक्लेंशंस डिक्लेंशंस कुछ नहीं लगते, ना आगे कुछ लगेगा ना पीछे कुछ लगेगा, जो एज इट इज बना रहता है। इसलिए परमात्मा को बार बार कहा जाता है अव्यय है, वह पुरुष कैसा है अव्यय है, आत्मा कैसा है अव्यय है, शरीर अव्यय है क्या? पांच साल पहले कुछ था, छह साल पहले जो मेरे सामने यूनिवर्सिटी में बिल्कुल बच्चे बच्चे से घूमते हैं, 20 साल बाद दिखाई देते हैं तो दादाजी टाइप के लगते हैं सब लोग, तो क्या हुआ? तो ये भी है, तो विकार जिसमें होता है, तो निर्विकार कौन होता है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सर्व क्रिया शून्य। बहुत अच्छा प्रसंग आता है ना, वो सर नायम हंति न हन्यते है ना सर, भगवद्गीता में, भगवद्गीता में आत्मा के लिए लिखा है ना, तो यह किसी को मारता है ना ये किसी के द्वारा मारा जाता है ना सर। हाँ, अब इसमें एक बात शंकर भाष्य में जब पढ़ेंगे कितना इंटरेस्टिंग है, यह हंति कह रहे हैं, हन धातु का प्रयोग है, हन धातु का अर्थ मारता नहीं है, केवल ये उपलक्षण शब्द है, रिप्रेजेंटेटिव एक्शन है, कोई भी क्रिया नहीं होती है। धातु पाठ में, पाणिनि के धातु पाठ में 2000 धातुएं हैं, वर्ब्स हैं 2000, उनमें से रैंडमली एक को ले लिया हंति, इसका मतलब इन इन 2000 धातुओं में से कोई भी धातु घटित नहीं हो सकती उसमें। हंति तो केवल कहने के लिए है, हंति की जगह और भी कुछ कह सकते थे, नहीं खाता है, नहीं सोचा। हाँ, शंकर भाष्य में कि हंति जो शब्द है, एक धातु को ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल मारने की क्रिया नहीं होती उसमें, कोई भी क्रिया नहीं होती, अविक्रिय है वो आत्म तत्व, अविक्रिय है, निर्विकार है ना जी, जी आपका तो विषय है, तो अविक्रियत्वम तस्य भूयते। एनीवे, इसलिए अव्यय परमात्मा को कहा जाता है अव्यय, प्राहुर अव्ययम्, उसका अव्यय भगवद गीता में अव्यय शब्द का, बार बार परमात्मा को अशब्दम अस्पर्शम अव्ययम ऐसा कहा जाता है। अभी जब आप सब यही पढ़ रहे थे जो बार बार वो कहते ना, जहाँ से शक्ति लेकर के मन गतिशील होता है, जहाँ से शब्द लेकर के, जहाँ से शक्ति लेकर के वाणी में बोलने की शक्ति आती है, जो वाणी का भी वाणी है, जो मन का भी मन है, जो इंद्रियों का भी इंद्रिय है, वो कौन है? उसके लिए शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य। तो यत न व्येति तत् अव्ययम् ऐसा कर लीजिए। अब एक श्लोक और अच्छा सा पढ़ते हैं, इसी एति से संबंधित देखिए, उदेति, देखिए उत प्लस एति, एति का अर्थ मैंने क्या बताया, जाता है, जाता है, जाता है, पर उत शब्द के साथ प्रयोग होता है तो उदेति का अर्थ क्या होता है, उदित होता है, उदेति 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 उदेति, इसका अर्थ होता है उदित होता है। सूर्य कुत्र उदेति, पूर्व दिशायां, पूर्व दिशायां उदेति 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 है ना, सूर्य का उदय हो गया,
उदया, उदेति माने उगता है और उदय माने उसका उसका एक नॉमिनल फॉर्म है उदेति। उदेति सूर्य के लिए एक शब्द है सविता, उदेति सविता जो गायत्री मंत्र में सविता, उदेति सविता। बोलिए उदेति सविता। उदेति सविता इत्यत्र शब्दद्वयं वर्तते, द्वौ शब्दौ स्तः, अयम प्रथमः शब्दः अयम च द्वितीयः शब्दः, है ना। इदं नाम पदम्, इदं नाम पदम्, इदं क्रियापदम्, ठीक है ना। ये उक्ता है, क्रियापद है ना। इदं किं पदम्, नाम पदम्। इदं किं पदम्, क्रियापदम्। अत्र कति शब्दौ स्तः, अत्र द्वौ शब्दौ स्तः। उदेति सविता, सविता उदित होता है तो कैसा होता है, ताम्रः। ताम्रः इति शब्द से कहा अर्थ है रक्तवर्णः। ताम्रः इति शब्द से कहा अर्थ है रक्तवर्ण। सूर्यः कीदृशः उदेति, रक्तवर्णः। बाली माह से पूर्ण होता है ना, जब प्रातः काल सूर्य का उदय होता है, सूर्य का व्यक्तित्व कैसा होता है, लाल होता है। उदेति सविता ताम्रः। आगे क्या है प्रीति, याद है कि नहीं तुम्हें श्लोक, नहीं ये बहुत अच्छा श्लोक है। उदेति सविता ताम्रः कहाँ से है सर, अब ये मत पूछो मेरे गूगल कहीं से तो हो गई, याद जैसे आ जाते हैं ना। सूर सूर उदेति सविता ताम्रः, ताम्रः शास्त्र में लिखा है। ताम्रः देखिए, ताम्रश्च, ताम्रश्चास्त मेति, ऐसा कुछ है, मैं भूल भी सकता हूँ। अब देख इसको देखने का प्रयास करिए। उदेति सविता ताम्रः, पूजा जी देखिए, उदेति सविता ताम्रः। ताम्रः इति शब्द से का अर्थ है रक्तवर्णः, सविता इति शब्द से का अर्थ है सूर्यः, उदेति शब्द से का अर्थ है उदयं प्राप्नोति, अस्तु आगच्छति। हां अच्छा, ताम्रः च, ताम्रः च देखिए, ताम्रः करना नहीं इसको देख करके, ताम्रः च अस्तम एति च। इसको देखिए, इन शब्दों से परिचित हो लीजिए। ताम्रः च, च का अर्थ क्या है, और ताम्रः अस्तम एति, अस्त को चला जाता है च, और ठीक है, अस्ताचल को चला जाता है, अस्त 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 चला जाता है, अस्त को चला जाता है, अस्ताचल में चला जाता है। अब देखिए श्लोक, उदेति सविता ताम्रः, पहला स्टेटमेंट है। अस्य वाक्यांशस्य कः अर्थः, यदा सूर्यः उदेति, यदा सूर्यस्य उदयः भवति तदा सूर्यः किं वर्णकः भवति, ताम्रवर्णः भवति। यदा सूर्यः अस्तं गच्छति, यदा सूर्यः अस्तं एति इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः गच्छति, यदा सूर्यः अस्तं गच्छति तदा अपि तस्य वर्णः कीदृशः भवति, ताम्रः भवति। अस्तु, सम्पत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ माने संपत्ति में, संपत्ति शब्द है ना, हाँ पूजा जी, संपत्ति शब्द है, इसका संपत्ति में क्या, भवन, भवन में क्या होता है, भवने, भवने, कक्षा में, कक्षे, कक्षा, कक्षायाम, कक्षायाम, विपत्ति में, विपत्तौ, हाँ इसके रूप अलग अलग चलते हैं, विपत्तौ। इस तरह के बार बार इस तरह के 50वां श्लोक जब पढ़ते हैं ना, तो अपने आप संस्कृत की संरचना आ जाती है ऐसे। इसलिए कई बार विद्यार्थियों को व्याकरण आदि बताते ही नहीं है, 15-20 क्लास तक तो उनको इतने लेसन्स पढ़ा दो कि उनको अपने आप ही शब्दों का की संरचना से परिचित हो जाते हैं। संपत्तौ, संपत्तौ इसका अर्थ क्या हो गया, संपत्ति में, संपत्तौ च विपत्तौ च, विपत्ति का क्या होगा, विपत्तौ, विपत्तौ, संपत्तौ च विपत्तौ च,
संस्कृत में एक प्रकृति संपत्ति और विपत्ति दोनों में कहना हो ना तो डबल चा का प्रयोग कर लेना, संपत्तौ च विपत्तौ च सुखम च दुखम च, संपत्तौ च विपत्तौ च। अभी एक शब्द है महताम, महताम एक रूपता, महताम एक रूपता। महताम माने महान लोगों का, महान लोग, इसमें महताम शब्द है। महताम, महताम माने महान लोगों का, उनमें उनकी बात क्या होती है, एक रूपता होती है। संपत्ति में हो चाहे विपत्ति में हो, एक रूपता, वो सब उनमें एक रूपता दिखती है। इसका मतलब वो अविक्रिय रहते हैं, उदासीन रहते हैं। वेदांत का बहुत प्यारा सा शब्द है उदासीन, 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 जो उदासीन वक्त रहता है। और गुण ही रियो न विचार लेते हैं, जो गुणों से विचलित नहीं होता है इसको कहते हैं महताम एक रूप का। इदम पद्यम अस्ति उदेति सविता ताम्रः ताम्रश्च अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अस्तु एतत् पद्यद्वयम् अस्माभिः पठितं। प्रथमं पद्यं किम् आसीत्? सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च सर्वासु च वचनेषु च सर्वेषु वचनेषु च कर्मयोगेषु यन्न एति तद्वयम्। अगर लैंग्वेज का संदर्भ हो तो अव्यय शब्द का अर्थ है च वा इस तरह के। अगर जनरल आइडिया देना हो अव्यय किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे? यत न व्येति, जो ना चलता हो। और चलना एक उपलक्षण है सर, जैसे बताया था ना हंती एक उपलक्षण है जिसमें कोई क्रियाएं नहीं होती है, वो अव्यय होता है। इट्स एन आइडिया, इट्स एन आइडिया। तो ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं होती, ब्रह्म इज एन एंटिटी विच इज देयर, एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन इज नॉट, इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्शन। अर्थ क्रिया भी नहीं, हाँ अर्थ क्रिया मतलब जिसमें क्रिया नहीं होती है, अर्थ क्रिया आपके उसमें ना। बौद्ध में भी यही कहा गया। अस्तु तावत् पद्यद्वयम् अस्माभिः अद्य पठितम्। संस्कृतं सरलायते, सरलायते सरल होता जा रहा है ना। अस्तु वयम् मया प्रेषितम्, मैंने कुछ भेजा आपको, थोड़ा सा पढ़ते हैं, हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम है। व्हाट्सएप किया आपने? हाँ व्हाट्सएप किया सबको, थोड़ा सा देखते हैं। मैं हम इसको पहले पढ़ भी चुके थे, मिला ना सबको? अभी आया नहीं, इसके साथ देख लीजिए। कुछ 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 10-15 शब्दों से भी बनर्जी साहब परिचय हो जाए ना आज, इतना भी सफिशियंट है। अस्तु अहम पठामि, हम पहले इसको थोड़ा सा पढ़ चुके थे, आज मैं ये चाहूँगा कि आप सब उच्चारण करें, है ना, आप सब करें। पहले अजय जी से शुरू करें। अस्मिन् भौतिक वर्ण वहाँ से शुरू करें, बिल्कुल फ्लो के साथ बोलने का प्रयास करें। लास्ट फोर लाइन ठीक से वर्ड नहीं आ रहा ठीक से इसमें। अच्छा अच्छा, जितना आ रहा है आपने भेजा है? जी पहले भेजा था, घर से चल के नहीं आया, आए फंक्शन संस्कृत में आए। भौतिक युग है सर, अस्मिन् भौतिक युग आया सर, दो भेजे थे जो एक एक क्लियर के साथ दोबारा भेज दी सर। ये वाला पेज पूरा पेज ना, मैं भेज दे रहा हूं मेरे पास है सेकंड, यहां से नहीं हुआ पीछे वाला पार्ट पूरा पार्ट पीज नहीं हुआ मैं वॉल्यूम जनरेटर स्ट्रक्चर। सबसे अच्छा प्रकार यही है कि आप सब दो दो एक एक तीन तीन पेज लिख कर के ले आए और मुझे दे दीजिए। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाला है, पहले भी भेजा था मैंने, आज मुझे वाचन का अभ्यास कराना है। आपने भी किया? अच्छा मैंने सॉफ्ट कॉपी है, पहले भेज चुके हैं लास्ट वीक। अच्छा एनीवे मैंने अभी भेजा, थोड़ा क्लियर अभी किया। देखते जाइए आप यहाँ से इसको देख कर ऊपर से, हाँ ऊपर से
अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थाजने वयस्ताः सन्ति। देखिए क्या लिखा उन्होंने, अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थाजने वयस्ताः सन्ति। समय अभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्ना रोगाः जायन्ते। एतेषां रोगानां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् चिन्तायाः दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्ताः भवामः। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतञ्जलिः अकथयत् यत् योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात् योगेन चित्तस्य वृत्तिनां निरोधः सम्भवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियाः भवामः। ऐसे ही सबको पढ़ना है, आप पढ़ना है, दो तीन सेंटेंसेस पढ़ते हैं, सबसे मैं पढ़ता हूँ। अस्मिन् भौतिक युगे सर शुरू से कि नीचे से आगे पढ़ सकते हैं, जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ेंगे। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे, एक तो युगे नहीं होता है, युगे सर्वे योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतञ्जलिः अकथयत् यत् योगस्य योगस्य अर्थात् योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः सम्भवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रिया भवति। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। समय अभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्नाः रोगाः जायन्ते। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् चिन्तायाः दैहिकव्याधिभ्यः च मुक्ताः भवामः। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतञ्जलिः अकथयत् यत् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, अर्थात् योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः सम्भवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियाः भवामः। यहाँ एक गलती क्या है, चित्तः लिखा है ना, चित्तम होना चाहिए ना, चित्तम कदा प्रसन्नं भवति, इसमें गलत लिखा हुआ। अच्छा एक काम और करिए, ये जब बोलेंगे तो हम साथ साथ बोलेंगे ताकि 10-12 बार अभ्यास हो। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः। अच्छा चलो बोलेंगे, अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। चलिए आगे, समयाभावेन गुणाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च
विभिन्नाः रोगाः जायन्ते तेषां रोगाणां निराकरणाय प्रक्रिया अस्ति अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् दुःखात् जो विषय है वो भी प्रोनाउंस करना चाहिए दुःखात् योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः सम्भवति चित्तः तदा प्रसन्नः भवति यदा शरीरं स्वस्थं स्थात् स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रिया वामः जैसे गच्छामः पठामः एक्सीडेंटली पहले मिला था फिर इनके बारे में जाना सोलन में जाने लगे दस में तीन चार महीने चार पाँच महीने बुलेट भी कोई करने वाली आप टाइप करते हैं उसका वो विंडोज वाले सिस्टम यूज करते हैं विद्यालय वाला कभी द और हलंत के साथ किया करो सिद्धिय बन जाता है कभी नहीं ये इधर से मिरर इन दैट और फुटिंग के ट्रांसपोर्ट कर रहे बाकी तो मुझे आगे ऐसे के प्रयास है वो भी काफी मुश्किल से आया था नहीं था प के बाद हलंत लगा के फिर रहा होगा ये किसी और लैंग्वेज में
नहीं राइट साइड में बोलते हैं, राइट साइड में एक हर एक के एंड में किसी और लैंग्वेज में है। अस्मिन भौतिक युगे सर्वे अठारह जने व्यस्तः सन्ति समयाभावेन जना शरीरस्य चित्तस्य च प्रति उदासीनः सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्नः रोगः जायन्ते। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् अल्पकाले एव वयं थोड़े से ही समय में वयं शोकात् दुःखात् चिन्तयः दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्तः भवामः। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतञ्जलिः अकथयत् यत् योगश्च चित्तवृत्तिनिरोधः अर्थात् योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः सम्भवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियः भवामः। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। समयाभावेन जना शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्ना रोगाः जायन्ते। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् चिन्तायाः दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्ताः भवामः। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्य पतञ्जलिः अकथयत् यत् योगश्च वृत्तिनिरोधः अर्थात् योगे चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः सम्भवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियः। बहुत ही अच्छा अजय जी बताइए। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। समयाभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्नाः रोगाः जायन्ते। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् चिन्तायाः दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्ताः भवामः। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतञ्जलिः अकथयत् यत् योगश्च वृत्तिनिरोधः अर्थात् योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः सम्भवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियाः भवामः। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। समय अभावेन जनः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीना सन्ति। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्नाः रोगाः जायन्ते। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात् दुःखात् चिन्तायाः दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्ता भवामः। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतञ्जलिः अकथयत् यत् योगश्च ये सूत्र है पतंजलि का, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध अर्थात योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः सम्भवति। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति? यदा शरीरं स्वस्थं स्यात्। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च
सक्रिय भवाम। मैं एक आध एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ कि अल्पकाल में ही, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, अल्पकाले एव, आज ही, अद्य एव, अभी ही, अधुने एव, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, शरीर का, शरीरस्य, शरीर का स्वास्थ्य, शरीरस्य स्वास्थ्यम्, चित्त का स्वास्थ्य, चित्तस्य स्वास्थ्यम्, है ना। अच्छा, एक प्रति शब्द होता है, जब प्रति शब्द लगता है तो पहले अम लग, बालक के प्रति, बालकम प्रति, बालकम प्रति। वैसे सर बालक के, इसको संस्कृत में कहते हैं बालकस्य, पर प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो स्वास्थ्यम प्रति बोलिए, स्वास्थ्यम प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, इसकी संस्कृत क्या होगी, स्वास्थ्यम प्रति, गाँव के प्रति, ग्रामम प्रति, है ना, और छात्र के प्रति, छात्रम प्रति, अध्यापक के प्रति, अध्यापकम प्रति, अध्यापकम प्रति, इस तरह के प्रति, है ना। बहुत से रोग, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, विभिन्ना रोगा। अच्छा, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको क्या कहेंगे, एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। क्यों एका और वैज्ञानिकी क्यों कहा, क्योंकि प्रक्रिया, एक वैज्ञानिक योग, योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसकी संस्कृत क्या होगी, योग एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति, ठीक है ना। अच्छा, शोक से, शोकेन का दूसरा अर्थ, शोक से, शोकात मुक्ता, शोकात मोह से मुक्त, मोहात, शोकात मोहात, ऐसे शोकात, चिंता से, चिंतस्या। देखिए, एक शब्द है मोह, अकारांत शब्द है, और एक शब्द है चिंता, अकारांत है, तो एक शब्द है बालक और एक है बालिका। अगर मैं कहूँ बालक से, बालकात, गाँव से, ग्रामात, बालिका से, बालिकाया। अब देखिए, इसमें था शोकात, एक तो है शोकात मुक्ता भवाम, क्या अर्थ है, शोक से मुक्त होते हैं। अच्छा, चिंता से मुक्त के लिए क्या शब्द है, चिंताया। तो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे, इस तरह से पढ़ने से ना, शोकात स्त्रीलिंग है, रमा की तरह चल रहा है, चिंतायाः मुक्ताः भवाम। हम किन किन चीज से मुक्त होते हैं, शोकात, और दुखात, और लिखा इन्होंने दैहिक व्याधिभ्यः, दैहिक व्याधियों से, बहुवचन है, बहुवचनों, इस तरह के। फिर से बताएं, अल्पकाल में ही, अल्पकाल शोक से मुक्त होंगे, शोकात भवाम। योग दर्शन के प्रवर्तक कहना हो तो, योग दर्शन से प्रवर्तक आसीत, सांख्य दर्शन से प्रवर्तक आसीत, कपिल मुनि आसीत, कपिलः आसीत, है ना। और वैशेषिक दर्शन से प्रवर्तक आसीत, प्रणादः आसीत, है ना। अष्टाध्याय्याः प्रवर्तक आसीत, पाणिनी आसीत। कौन बनेगा करोड़पति का, जब 50 लाख का क्वेश्चन था, उन दिनों जब 2001 में शुरू हुआ था ना सर, तो बिल्कुल पीक पर चला गया वो, 50 लाख रुपए उसमें आ गए। उसके बाद उसको क्वेश्चन पूछा गया 1 करोड़ के लिए कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, और वो बहुत देर तक बैठा रहा, पसीना पसीना हो गया, सर आपने पढ़ाया नहीं उसको, तो उसने क्विट कर दिया उसने, शायद ऐसा कुछ था। तो अष्टाध्यायी प्रवर्तक का आदि आसी, अस्तु। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, बोलिए, योग की परिभाषा है, पतंजलि के द्वारा दी गई परिभाषा क्या है, योग किसे कहते हैं, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियां होती हैं उनको अरेस्ट कर लेना, उनको रोक लेना, तो योग की परिभाषा क्या है, योगस्य लक्षणं किमस्ति,
योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यहाँ संधि कर दीजिए, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। तो माइंड के फ्लक्चुएशंस होते हैं, है ना, तो कंट्रोलिंग ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द चित्त स्टफ इज कॉल्ड योगा। और ये जो योग आसन करते हैं फिजिकल, दैट्स प्रिपेयरिंग द बॉडी टू देन थिंक अबाउट इट एंड डू दैट, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग, कि मेडिटेट करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो शरीर और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो साधन और साध्य में कई बार एक कर लिया, साध्य तो क्या है, माइंड को समाधि लगाना, उसके लिए अपने आप को उसकी जो तैयारी है। योगांग क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम समाधि, योग योग का अर्थ है समाधि, समाधि तो लास्ट का अर्थ तो जोड़ना होगा। हाँ, योग के दो अर्थ होते हैं, एक तो जोड़ना अर्थ होता है, दो धातु में है संस्कृत व्याकरण में ना, तो युजिर योग है एवं युद्ध समाधि होगी उस माने से है योग। एनीवे, तो मैं कहना चाह रहा था कि सर अजय जी ने जो पॉइंट उठाया वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समाधि को अगर योग कहते हैं तो इन स्टेप्स को योग कैसे कह सकते हैं। तो जो समाधि और समाधि नामक योग की ओर ले जाने वाले जो उपाय होते हैं ना, उनको भी योग कह देते हैं, उनको भी योग कह देते हैं। अस्तु, अत्र विरामस्य समयः अयम् अस्ति। अच्छा, मन वाणी और कर्म से, इसकी संस्कृत क्या होगी सब जानते हैं, मनसा वाचा कर्मणा च, संभव होता है, संभव चित्त का, चित्तस्य है ना, और हम सब, वयम मैं, अहम अहम, वह स्वम सह है ना, तू त्वम त्वम, आप भवान, आप सब भवन्तः भवन्तः भवन्तः, और अहम, अहम के साथ क्या होगा, अहम अस्मि, त्वम असि, असि अहम नास्मि, त्वं नास्मि, बालकः नास्ति, भवान नास्ति, अस्ति भवान नास्ति, भवति अस्ति, भवति नास्ति, अस्तु, भवन्तः सन्ति, भवत्यः सन्ति, अस्तु, तावत् अत्रैव विरामं कुर्मः। अयं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, एतत् सूत्रं वर्तते, किं वर्तते, सूत्रं वर्तते, वर्तते का अर्थ क्या है, पहला सूत्र है, बोलिए मेरे साथ, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, महर्षि, अजय जी, महर्षि पतंजलि ही योग सूत्राणाम रचनाम अकरोत्, कह योग सूत्राणाम रचनाम अकरोत् पतंजलि, पतंजलि है ना, योग शास्त्रे द्विशतम यावत् 195 है सूत्राणि सन्ति, सूत्राणि सन्ति, तत्र चत्वारः पादाः सन्ति, कति पादाः सन्ति, चत्वारः पादाः, प्रथमस्य पादस्य नाम किम् अस्ति, समाधि, समाधि पादः अस्ति, समाधि पादः, कति अध्यायाः सन्ति, चत्वारः अध्यायाः सन्ति, अध्यायाः सन्ति, कति सूत्राणि सन्ति, प्रायः द्विशतं सूत्राणि सन्ति, अस्तु, तत्र कति पादाः सन्ति, चत्वारः पादाः सन्ति, प्रथमस्य पादस्य नाम किम् अस्ति, समाधि पादः, द्वितीयस्य पादस्य नाम किम् अस्ति, साधन पादः, तृतीयस्य पादस्य नाम किम् अस्ति, विभूति पादः, विभूति पादः, चतुर्थस्य च पादस्य नाम किम् अस्ति, कैवल्य पादः, कैवल्य इति शब्दस्य कः अर्थः, कैवल्य इति शब्दस्य कः अर्थः, मोक्षः, केवलम, देखिए केवल शब्द है ना, केवल शब्द से क्या बना, केवल भाव को प्राप्त कर लेना, इसीलिए योग सूत्र पर अंग्रेजी में किसी ने कमेंट्री लिखी है और उस वो पढ़ी तो मैं नहीं, उसका टाइटल बहुत पसंद आया था मुझे, उसका टाइटल ये था, फ्रॉम अलोननेस टू अलोननेस, फ्रॉम अलोननेस टू अलोननेस, क्योंकि निसंग है ना आत्मा, तो असंग है ना, वो तो अकेला है, लोनलीनेस से अलोननेस तक प्राप्त करने की यात्रा है समाधि की यात्रा और अध्यात्म की यात्रा, हम लोनली होते हैं जब हम बहुतों में से अपने को एक पाते हैं, परंतु अपना जो तात्विक रूप जब जान जाते हैं तो अलोननेस, हर स्वरूपावस्था, स्वरूपावस्था जो है ना,
मुक्तावस्था, उसको फ्रॉम अलोननेस टू अलोननेस। अलोननेस का लिटरल अनुवाद क्या है? कैवल्य का अर्थ है मुक्ति। ठीक है, तो चार बात। योग दर्शन से प्रवर्तक महर्षि पतंजलि अस्ति। महर्षि पतंजलि अन्य अन्ययोः द्वयोः ग्रंथयोः अपि रचनाकार अस्ति। व्याकरणस्य महाभाष्यम एकं पुस्तकं वर्तते। पाणिनी अष्टाध्यायी, पाणिनी पाणिनी अष्टाध्याय्याः महती टीका वर्तते। महती टीका माने बहुत बड़ी टीका है। तस्य तस्याः टीकायाः किं नाम? महाभाष्यम। और भी गुरुतर ग्रंथ है। टीका कॉमेंट्री, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर कॉमेंट्री है, बहुत बड़ी, उसको महाभाष्य कहते हैं। तो पतंजलि ही योग सूत्राणाम रचनाम अकरोत्। पतंजलि ही महाभाष्यस्य रचनाम अकरोत्। पतंजलि ही चरक शास्त्रस्य रचनाम अकरोत्। गतिशास्त्र चरक विवाद है, फिर भी जो कई बार कहा जाता है कि पतंजलि को तीन शास्त्रों का रचनाकार कहा जाता है। तो तीन तरह के मल होते हैं, शरीरे त्रिविधानि मलानि संति, कतिविधानि मलानि संति, त्रिविधानि मलानि मलानि संति, चित्तमलानि, चित्तमलम एकम मलम, वांगमलम वाक माने वाणी संबंधी मल होता है, चित्तमलम मल है ना, और तीसरा क्या होता है, शरीर का मल होता है। तो पतंजलि ने शरीर के मल को तो किस शास्त्र से दूर किया? चरक संहिता। हाँ, वैद्यक शास्त्र है ना। और पतंजलि ने वाणी के मल को किस शास्त्र से दूर किया? व्याकरण शास्त्र, महाभाष्य लेकर के। और उसी पतंजलि ने चित्त के मल को योग से दूर किया, योग शास्त्र। तो बोले मेरे साथ, योगेन चित्तस्य, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च, मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीशम पतंजलिम पतंजलिम प्रांजलि रानतोष्मि। वो ये कहते हैं, योगेन चित्तस्य, संस्कृतम पश्यन्तु, योगेन चित्तस्य, इसका अर्थ क्या होगा? योग से चित्त का, चित्त का। और योगेन चित्तस्य पदेन, पद कहते हैं व्याकरण को, पद शास्त्र कहते हैं सर व्याकरण को। तो पदम माने व्याकरण। हमारे यहाँ दो तरह के शास्त्र होते थे, एक व्याकरण और मीमांसा। मीमांसा को वाक्य शास्त्र कहते हैं और पद शास्त्र व्याकरण। इसलिए एक होता है पद, एक होता है वाक्य, ये अलग अलग शास्त्र हैं। पद शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र, वाक्य शास्त्र माने मीमांसा शास्त्र, और प्रमाण शास्त्र माने न्याय शास्त्र। इसीलिए हमारे यहाँ जब बहुत अधिक प्रशंसा करनी होती थी किसी की, सर्वतंत्र स्वतंत्र शब्द का प्रयोग होता था, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, ऐसा पद वाक्य प्रमाणज्ञ, पद वाक्य प्रमाणज्ञ। वयम केन उपनिषद पठामा, तत्र भी पद भाष्य अपि अस्ति, वाक्य भाष्य अपि अस्ति, मतभेदाः सन्ति। क्या कहते हैं, शंकराचार्य सेव भाष्य द्वयम् वर्तते उतवा न वर्तते, प्रमाण किसके आपने बोला, प्रमाण लॉजिक जो लॉजिक लॉजिक, तो न्याय शास्त्र केन उपनिषद है ना, बोलिए पद शास्त्र मिति कस्य शास्त्र से नाम, व्याकरण शास्त्र से, वाक्य शास्त्र मिति कस्य शास्त्र से नाम, प्रमाण शास्त्र मिति कस्य शास्त्र से नाम, यह आचार्य यह विद्वान पद शास्त्रे अति पद शास्त्रे अपि दक्षः भवति, वाक्यशास्त्रे अपि दक्षः भवति, प्रमाणशास्त्रे अपि दक्षः भवति, यः पदशास्त्रं जानाति, वाक्यशास्त्रं जानाति, प्रमाणशास्त्रं जानाति। ज्ञा किसे कहते हैं, जानने वाले को, जानाति इति ज्ञा। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ आचार्य, पद वाक्य प्रमाणज्ञ बोले, तो पद शास्त्र का अर्थ क्या है, व्याकरण शास्त्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, वाचाम माने वाणी के, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम बलम शरीरस्य च, च का अर्थ क्या है, और शरीरस्य का अर्थ क्या है, शरीर की, मलम। तो मल का संबंध तीनों के साथ है, योगेन चित्तस्य मलम, पदेन वाचाम मलम, और वैद्यकेन। वैद्य किसे कहते हैं, जो उपचार, वैद्यक शब्द को वैद्यक शास्त्र, मेडिकल साइंस है ना,
एक्चुअली ये शब्द होता था विद्या, विद्या विद्या शब्द से ही उसी को विद्या, तो वैद्य बन गया, जो विद्यावान है उसको वैद्य कह देते हैं और उस शास्त्र को वैद्यक कह देते हैं। क्या कहते हैं? वैद्यक, वैद्यकेन, वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र है। देखो वैद्यक, वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र है। तो तीन तरह से देखो, पहला है योगेन शरीरस्य, योगेन, और दूसरा क्या है? पदेन। याद रहेगा सर? देख रहा, देखिए ये इसके साथ फिनिश करते हैं, ये अच्छा सा पॉइंट आ गया। हाँ, पहले इसको ऐसा कर देखिए पूजा जी, जैसे योगे ना लिखा ना, योगे ना, और किसका योग से क्या हो जाता है? और पदेन वाचाम, और वैद्यकेन, वैद्यकेन शरीरस्य, शरीरस्य मलम, मलम शरीरस्य चावल, इसका 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 है ये कौन से टेक्सटाइल ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं योगेन चित्तस्य मलम, पदेन वाचाम मलम, और वैद्यकेन शरीरस्य मलम। यह माने जो जिसने अपाकरोत माने अपाकृत कर दिया, माने जिसको दूर कर दिया, ऐसे पतंजलि को प्रांजलि कहते हैं, अंजलि के साथ पतंजलि सांजलि। आनतः अस्मि, अहम आनतः अस्मि, नतः अस्मि का अर्थ क्या है? नतः अस्मि, अहम नतः अस्मि, नतमस्तक अस्मि, अहम का विशेषण है ना, बालकः नतः अस्ति, अहम नतः और तो आनत माने और भी ज्यादा, आनत हूँ मैं उन उस ऋषि के प्रति, आनत हूँ माने जिनत हूँ, नतः। इसलिए कई बार ये चर्चा चलती है, आप लोगों ने सुना होगा, नतस्य प्रतिमा अस्ति। ये सर ये यजुर्वेद का मंत्र है, मुस्लिम स्कॉलर्स को यूज करते हैं ये क्रिटिसाइज करने के लिए। पहले चर्चा चलती थी आर्य समाज और सनातनी लोगों के बीच में, आर्य समाज ये भी खूब करते हैं, वो लोग कहते थे कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, तो वो लोग कहते थे कि वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है, तो वो कई बार सुना है कि वो ये कहते न तस्य प्रतिमा अस्ति, तस्य प्रतिमा न अस्ति, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। तो कुछ लोगों ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि नहीं, ये तो है नतस्य, नतस्य का अर्थ क्या है? जो झुक गया है, नत हो गया है ना, उसके लिए नतस्य माने जो विनम्री भूत जो हो गया है उसके लिए प्रतिमा है। तो नतस्य के दो अर्थ हो सकते हैं ना, कि नतस्य एक शब्द भी तो हो सकता है, ओरिजिनल जो है वेद में उसमें तो अलग है कि एक है। अब ये मैं तो जिस सिस्टम से आता हूँ उसकी मैं वो करूँगा नतस्य जो है इसको हम मैं यहाँ से पढ़ाऊँ, वो कहते थे कि प्रतिमा नहीं है उस परमेश्वर की, तो नतस्य। तो जो लोग बुलाए गए उन्होंने कहा नहीं ये तो नतस्य है, नतस्य माने नम्री भूतस्य, कौन निर्णय करे इसका, इसका निर्णय कौन करे कि ये नतस्य एक शब्द है या नतस्य है? तो पंडितों को बुलाया गया जो जटा पाठ पाठ करते हैं ना अलग अलग मंत्रों के, जैसे भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम है ना, इसको पंडितों ने हजारों वर्षों से अलग अलग पाठों में इसको याद किया होता है। वेद की सुरक्षा कैसे की गई? एक मंत्र के 10 पाठ याद करते थे, जैसे मान लीजिए कि ये मंत्र सबको याद है ना, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, इसको वो लोग इसको सुरक्षित रखने के लिए भूर्भुवा भुवस्व स्व तत् स्व इति स्व तत् सवितु सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम भर्ग भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि इति धीमहि, एक पाठ हो गया है। दूसरा पाठ ये होता था तत् सवितु सवितु तत् 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 सवितु सवितु सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम सवितु, है ना, वरेण्यम भर्गो भर्गो वरेण्यम,
और भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि इति धीमहि। इस तरह से 10 प्रकार के पाठ होते हैं। उन पंडितों को कुछ नहीं पता है, उनको रटवा दिया जाता है। हजारों वर्षों से वेद की सुरक्षा करने के लिए एक एक मंत्र के 10-10 प्रकार के पाठ उन्होंने इतना इतना एक एक पूरे उसमें तीन दो दो पेज में लिखा जाता है एक मंत्र की विकृति पाठ कहते हैं इसको। तो उनको बुलाया गया बताते हैं और उनसे कहा गया कि आप इसकी 10वां पाठ सुनाइए। तो उन्होंने कहा ओम ना तस्य तस्य ना ओम ना तस्य तस्य ना ना तस्य प्रतिमा प्रतिमा तस्य ना अस्ति। ऐसा मैंने सुना है तो उससे क्या पता लगा उसकी प्रतिमा नहीं है। वेदांत उसमें भी वेदांत में कहा जाता है कि उसके दो रूप है, उसका जो ओरिजिनल रूप है उसकी प्रतिमा नहीं है, फॉर्मलेस जैसे रामनाथ जी बता रहे थे ऐसे ही। तो एनी वे तो नतस्य क्या कहाँ बता रहे योगे आनत अस्मि, मैं आनत हूँ मैं विनत हूँ। तो योगे न चित्तस्य पदेन वाचाम लिखना है तो लिखना नहीं तो ये योगे न चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन रूपाकरोत्तम प्रवरम मुनीशम पतंजलि सांजलि राम। योगे न चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च प्रवरम अप्रवरम मुनिंद्रम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीन्द्रम। मुनियों में जो इंद्र होता है उसको क्या कहते हैं मुनीन्द्र, इसका अर्थ है मुनिश्रेष्ठ। और पतंजलिम सांजलि आनतोस्मि या संधि हो गई सांजलि रानतोस्मि। आप बताइए यहाँ अस्मि शब्द का प्रयोग कहाँ है, अस्मि सर लास्ट में अस्मि तो इसका कर इसका कर्ता कौन होगा अहम। अहम कहा नहीं गया पर इससे अंडरस्टूड आनतः किसका विशेषण अहम आनतः अस्मि। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको आई एम हम्बल या क्या कहना चाहिए नहीं वो एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ मैं आनत हूँ। आनत शब्द का अर्थ होता है मैं झुका हुआ हूँ। ग्रैटिट्यूड बो डाउन रेवरेंस देना आई पे रेवरेंस। मेरा मतलब है अहम शब्द का विशेषण है ये अहम। जैसे आई एम हैप्पी है ना अहम आनतः अस्मि। अहम छात्रा अस्मि है ना अहम आनतः अस्मि। और वयम शब्द के साथ इसका प्रयोग करिए वयम वयम आनमः वयम। देखिए आनतः है ना एक वचन है और जैसे बालकः आनतः अस्ति बोलिए बालकः आनतः आनतः अस्ति बालकौ
बालकाः सन्ति त्वं आनतः असि युवाम् आनतौ स्थः यूयम् आनताः स्थः अहम् आनतः अस्मि आवाम् आनतौ स्वः स्वयम् आनताः स्मः तो अंजलि के अंजलि के साथ अंजलि के साथ जो होता है उसको क्या कह देते हैं सांजलि है ना तो सांजलि भी किसका विशेषण है अहम का अहम सांजलि मैं एक तो मैं सांजलि हूँ उस व्यक्ति को सांजलि कहेंगे जो अंजलि से युक्त हो गया है उसका विशेषण है ये समवन हु इज विद अंजलि उसको उसका विशेषण है सांजलि जैसे सपुस्तक मैं सपुस्तक हूँ देखिए मैं सपुस्तक हूँ आप सपरिवार आए आपका विशेषण क्या है सपरिवार परिवार के सहित जो आप हैं अंजलि के सहित जो मैं हूँ तो सांजलि अहम आनतः अस्मि अहम शब्द के दो विशेषण हैं क्या क्या सांजलि मैं कैसा हूँ अहम अस्मि अहम अस्मि दो विधेय हैं अहम अस्मि अहम कीदृशः अस्मि कीदृशः का अर्थ क्या मैं कैसा हूँ अहम सांजलि अस्मि पुनः अहम कीदृशः अस्मि अहम आनतः आनतः अंजलि इस मुद्रा को इसको अंजलि के साथ मैं आपको सांजलि प्रणाम करता हूँ हमारे यहाँ दंडवत प्रणाम करते थे दंडवत शब्द का अर्थ होता है दंड के समान प्रणाम दंडवत कहते हैं तो मैं तो अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ कि अभी भी लोग दंडवत ही करते हैं पर दंडे से युक्त होकर के करते हैं शांति पाठ परीक्षा शांति पाठ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ट्राइपॉड जैसा ट्रायंगल में बॉडी होना चाहिए दोनों।